तो यस भाई, क्या कह रहे हैं, जिससे हमें इतनी उम्मीदें थी भाई, मतलब कि हाँ यार ये तो कुछ कर ही देगी। इसने जो है यार, मतलब 6 एयरबैग जो है बेस वेरिएंट से देने शुरू करे थे किया ने इसमें, पर भाई ग्लोबल एनकैप ने इसका क्रैश टेस्ट करा और भाई आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ही बुरा हाल रहा इसका क्रैश टेस्ट में। आप आगे देख सकते हो भाई, वही जो है फुटेज जो ग्लोबल एनकैप ने करा था वही चल रही है। और भाई इधर जो है 3 स्टार लेके आई है वो भाई, 3 स्टार, मतलब यार ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। बेस वेरिएंट में 6 एयरबैग थे, मैंने भी सोचा था कि हाँ भाई अब किया की कार जो है पहले जैसा स्कोर नहीं करेगी, पर भाई किया और ह्यूंडई पता नहीं भाई अटक चुकी है 3 स्टार पे, इससे आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही। दोनों सिस्टर कंपनी है, बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही भाई। मेरी तरफ से यार इनकी गाड़ियों को बिल्कुल अवॉइड करो यार, पता नहीं क्या ही होता जा रहा है भाई। इतनी अच्छी गाड़ी है, इतने अच्छे सेगमेंट में अच्छे प्राइस के हिसाब से लॉन्च कर रहे हैं, पर भाई सेफ्टी में कुछ भी नहीं कर रहे हैं यार, ये बात जो है सरासर गलत लग रही है मुझे। आप भी अपना ओपिनियन मुझे जो है ज़रूर कमेंट करके बताना कि यार मतलब आप क्या सोचते हो भाई इतनी बेकार रेटिंग के बारे में। मतलब भाई एक भाई 18-20 लाख रुपए की गाड़ी में कोई क्यों 3 स्टार देगा भाई, मतलब 3 स्टार लेगा, बस खाली फीचर्स का होना भाई गाड़ी को पूरा नहीं करता यार। आज के टाइम में जहाँ पर इंडियन कंपनीज भाई इतना सेफ्टी को सोच रही है, तो भाई ये किया और ह्यूंडई और मारुति जैसी कंपनी भाई क्यों नहीं सोच रही है, ये मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बस भाई फिलहाल तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।